दोस्तों कुत्ते कभी कभी ऐसी अजीबो गरीब हरकतें करते हैं जो हमारी समझ से परे होती है, पर वो जो भी कुछ करते हैं उसके पीछे एक मीनिंग होता है, वो वैसे ही नहीं करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में कुत्तों की 10 ऐसी हरकतों के बारे में बात करेंगे और साइंटिफिकली समझने की कोशिश करेंगे कि वो ऐसा क्यों करते हैं और उसके पीछे का मीनिंग क्या होता है। नंबर 10, अपने मालिक के हाथ पैर या फिर मुंह को चाटना। अगर आपका कुत्ता आपके हाथ पैर या फिर मुंह पे आपको चाट रहा है तो ये वो लोगों का प्यार जताने का एक तरीका है। वो आपसे प्यार करता है और उसे लगता है कि ऐसा करने से उसे आपका अटेंशन मिलेगा। पर कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि कुत्ते ऐसा इसलिए भी करते हैं कि जब कुत्ते अपने मालिक को चाटते तो वो इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करते हैं कि उसके मालिक का मूड कैसा है, वो हेल्दी है कि नहीं। नंबर 9, दूसरे कुत्तों के प्राइवेट पार्ट को सूंघना। अब हमें हेलो करना तो हम क्या करते हैं कि हम हाथ हिलाते हैं या फिर स्माइल करते हैं, पर कुत्ते एक दूसरे के प्राइवेट पार्ट को सूंघ के हेलो करते हैं। अगर हमने ऐसा किया तो हमें थप्पड़ मिलेंगे या फिर दूसरे दिन जेल भी हो सकती है, पर ये वो लोगों में नेचुरल है, वो लोगों का एक कल्चर है, वो लोग ऐसे ही बात करते हैं। अब कुत्ते की सूंघने की क्षमता हम लोगों से 10,000 गुना ज़्यादा होती है, तो कुत्ते के प्राइवेट पार्ट को सूंघ के बता सकते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहा है, वो कोई खतरे में या बीमार तो नहीं है ना, और ये भी पता कर सकते हैं कि वो रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए रेडी है या नहीं। नंबर 8, खुद की पूंछ का पीछा करना। अक्सर कुत्ते सर्कल में घूमकर अपनी पूंछ का पीछा करते हैं, ये वो लोगों का खेलने का एक तरीका है। जब वो लोग खुश होते हैं, खेलने का मन होता है, एनर्जेटिक होते हैं, तब वो लोग ऐसा करते हैं, उसे सब करने में मजा आता है। पर अगर आपका कुत्ता अपनी पूंछ का पीछा बार बार कर रहा है तो हो सकता है कि उसके प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन हो, और ऐसे केस में प्लीज़ आप उसे डॉक्टर के पास ले जाना। नंबर 7, घास खाना। अब कुत्ते घास क्यों खाते हैं उसके पीछे बहुत सारी थियोरीज है, पर सबसे पॉपुलर थियोरी यही है कि उसे ये आदत अपने पूर्वजों से मिली है। जब कुत्ते कुछ ऐसा वैसा खा लेते जो उसे नहीं खाना चाहिए, तब वो उसके ऊपर घास खाते ताकि उसे उल्टी हो जाए और उसका खाना बाहर निकल जाए और पेट साफ हो जाए। पर कभी कभी कुत्ते टेस्ट के लिए भी खाते, उसे टेस्टी लगता है। पर अगर आपका कुत्ता कुछ ज़्यादा ही घास खा रहा है तो ये उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, क्योंकि एक बार पेट में बहुत सारा घास चला गया फिर उसे सर्जरी करके निकालना पड़ेगा। नंबर 6, नींद में ही पैर हिलाने या फिर भौंकना। बहुत सारे एक्सपर्ट के मुताबिक कुत्ते भी हमारी तरह ड्रीम्स देख सकते हैं। जैसे हम लोग ड्रीम्स में अपने पैर हिलाते हैं, चलते हैं या फिर कभी बात भी करते हैं, वैसे कुत्ते भी नींद में अपने पैर हिलाते, पूंछ हिलाते और कभी कभी भौंकते भी है। नंबर 5, खाने को एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर जाकर छिपा देना। बहुत सारे कुत्ते ऐसा करते हैं कि वो अपने बचे हुए खाने को या फिर पूरे खाने के बाउल को ही एक जगह से दूसरी जगह पर जाके छिपा देते हैं। एक्सपर्ट का कहना ये है कि कुत्ते ऐसा इसलिए करते ताकि वो अपने खाने को सुरक्षित रख पाए और उसका खाना कोई छीन ना ले। अब आप उसकी ये हरकत पे हंसोगे तो उसे और भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जब भी मालिक का पॉजिटिव रिएक्शन मिलता है तो वो काम कुत्ते और भी करते हैं। नंबर 4, आपका कुत्ता खुद की या दूसरों की टट्टी खा रहा है। अगर आपका कुत्ता उसकी या दूसरों की टट्टी खा रहा है तो ये नॉर्मल है। एक स्टडी के मुताबिक 25% कुत्तों में आदत होती है, और उसे ये आदत अपने पूर्वज यानी कि भेड़ियों से मिली हुई है। अब जब भेड़ियों को जंगल में कुछ खाने के लिए नहीं मिलता था तो वो लोग अपनी टट्टी भी खा जाते थे सर्वाइवल के लिए। अब आपके कुत्ते को खाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अब वो लोगों का नेचर बन चुका है ना। पर कभी कभी जब कुत्ते भूखे होते हैं या फिर कुछ न्यूट्रिशन उसको अपने खाने से नहीं मिलता है तब वो लोग टट्टी खाते हैं। पर कभी कभी ऐसे ही मजे के लिए उसे टेस्टी लगता है टट्टी खाना तो लोग खाते हैं, नेचुरल है ना वो लोगों के लिए। पर आपका कुत्ता कुछ ज़्यादा ही टट्टी खा रहा है और आपको पसंद नहीं है तो आप उसके डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। नंबर 3, खिलौने की बैंड बजाना। अब आपके डॉगीज को लगता है कि वो खिलौने के साथ खेल रहे हैं, पर एक्चुअली में वो मुंह में पकड़ कर इधर से उधर पटक के चबा के खिलौने की बैंड बजा देते हैं। अब उसके लिए हमें उसके पूर्वजों को ब्लेम करना पड़ेगा, क्योंकि जब उसके पूर्वज जंगल में रहते थे तब उसे शिकार करना पड़ता था और वो लोग शिकार को ऐसे ही खाते थे, तो ये लोगों का नेचर है और इसीलिए वो लोग खिलौने की बैंड बजा देते हैं और उसे ये सब करने में मज़ा आता है। नंबर 2, हम्पिंग। शायद आपके कुत्ते ने भी गार्डन में दूसरे कुत्तों के साथ ये कांड किया ही होगा और आपको बहुत ही शर्मजनक स्थिति में डाल दिया होगा। और सिर्फ कुत्तों के साथ ही नहीं, पर वो लोग कभी कभी आपके साथ, आपके हाथ या पैर के साथ भी ऐसा करते हैं। अब ये वो लोगों के लिए नेचुरल है, जब वो लोग एनर्जेटिक होते हैं, जब वो लोगों को खेलना होता है या फिर उसे दूसरे कुत्तों पे अपना वर्चस्व जमाना होता है तब वो ऐसा करते हैं। नंबर 1, कुत्ते रात को रोते हैं।
दोस्तों आपने यह कई बार सुना होगा कि अगर रात को कुत्ते रोते हैं तो इसका मतलब ये है कि उसके आसपास आत्मा है, ये अशुभ माना जाता है ना। पर एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो कुत्ते ऐसी आवाज़ें इसलिए निकालते ताकि वो दूसरे कुत्ते को अपना संदेश भेज सके। ये वो लोगों का बात करने का एक तरीका है जिसे हम कुत्तों का रोना कहते हैं। अगर रास्ते में जो कुत्ते होते हो वो ऐसी आवाज़ निकाल रहे तो हो सकता है कि वो भूखे हो या फिर बीमार हो, तो प्लीज़ आप ऐसे टाइम में उसकी हेल्प करना। तो दोस्तों ये थी 10 ऐसी अजीबोगरीब हरकतें जो कुत्ते करते हैं, और हमने समझा कि वो लोग ऐसा क्यों करते हैं, उसके पीछे का मीनिंग क्या होता है, और आपका डॉगी इस बीच में से कुछ ना कुछ तो करता ही होगा, है ना। पर अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है। अगर आपको आपके डॉगीज़ के बारे में और भी जानना है तो ये सीरीज टोटल 3 वीडियोज़ की है, तो आप बाकी के 2 पार्ट भी देखना ज़रूर।